Dear students, assalamu alaikum. Today our lecture number is 10.6. Chapter 10, lecture number 6. The topic is spectrometer. You know, इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले हमने माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया, देन हमने टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया, तो आज है स्पेक्ट्रोमीटर। नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर, यू मस्ट नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक सेट है, एक असेंबली है, एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ शामिल होते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम से मुराद सम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज उसमें कलेक्टेड होते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम को स्टडी करना, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटरमिन करना। डिफरेंट कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, रेड की वेवलेंथ और है, ऑरेंज की और है, ग्रीन की और है, ब्लू की और है। तो किसी भी लाइट की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना, दैट इज यूज स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरी चीज, हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना। अब आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए नंबर, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इज ए नंबर। इसका मकसद है कि किसी भी मटेरियल लाइट की रफ्तार एयर की निस्बत, स्पेस की निस्बत कितनी कम हो जाती है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। मिसाल के तौर पर ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.5 है। से तो इसका मकसद है शीशे में लाइट की रफ्तार 1.5 टाइम कम हो जाती है एज कंपेयर टू एयर या एज कंपेयर टू स्पेस। तो ये दो चीजें बतौर खास मालूम करने के लिए वी यूज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, डिस्कस भी हम ऑप्टिकल डिवाइस को कर रहे हैं। ऐसी डिवाइस जिसमें लाइट को यूज किया जाता है चीजों को देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिवाइस। यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, मैंने अभी बताया स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट से क्या मुराद है। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की जमा है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं, मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करते हैं। यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। ये लाइन मैंने इसीलिए लगाई है कि ये चीजें इनकी डेफिनेशन को आपको बताओ। स्पेक्ट्रा किसको कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल यूज इन प्रिज्म, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है उसका प्रिज्म बना देते हैं। आपको पता है प्रिज्म क्या होता है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको ये भी पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा से इसे शो करते हैं। यूज एंड डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मालूम करेंगे तो प्रिज्म यूज करेंगे स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर में, जब वेवलेंथ मालूम करेंगे तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग हम इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर आर शोन बिलो, ये स्पेक्ट्रोमीटर के मेजर हिस्से यहाँ बड़े सिंपल तरीके से आपको दिखाए गए। इसमें एक है कॉलीमेटर, दूसरा है टर्न टेबल, तीसरा है टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोमीटर के तीन बड़े हिस्से कौन से हैं? कॉलीमेटर, टर्न टेबल, टेलीस्कोप। ये पहले आपके जहन में इनलिस्ट हो, आपको पता हो इस डायग्राम में है। तो ये कॉलीमेटर है, एक ट्यूब है जिसके एक एंड पे कन्वेक्स लेंस है, दूसरे एंड पे एक स्लिट है। स्लिट मीन गुजरगा, रास्ता, पैसेज, जिसकी चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जा सके। ये हो गया कॉलीमेटर। ये जो अब डॉटेड में सर्कल बनाया गया है, ये सीट है, ये एक टेबल, इसे कहते हैं टर्न टेबल, जो कि रोटेट कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। एक्सेस जिसके अराउंड होगा वो वर्टिकल होगी, जैसे पंखा मूव कर रहा है उसकी एक्सेस जो है वो वर्टिकल है। तो टेबल यू है, वो जब यू रोटेट करती है तो एक्सेस देखें वर्टिकल हो जाती है। लफ्जों को समझने की कोशिश करें। ये जी सिमरात ग्रेटिंग है, अगर प्रिज्म रखेंगे तो प्रिज्म यहाँ रखेंगे,
ये लाइट फिर जब डेविएट होती है ग्रेटिंग को क्रॉस करने के बाद, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये टेलीस्कोप है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये छोटा सा इसका आई पीस है, ये हम यहाँ से इसे देख रहे हैं। ये तीन चीजें आपको एक सर्कल के अंदर, ये आपको टर्न टेबल है, ये कॉलीमेटर है, ये टेलीस्कोप, ये तीन चीजें आप यहाँ, इनका थोड़ा सा तारफ भी कराया गया कि कॉलीमेटर, टर्न टेबल, टेलीस्कोप क्या है, मैंने बता भी दिया है। कॉलीमेटर क्या है, एक मेटल एक ट्यूब है, लोहे की ट्यूब है, आप इसे कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की ट्यूब है, यानी एक ट्यूब है, जैसे ये एक ट्यूब है, ये एंड पे कुछ हो, ये इस एंड पे भी कुछ हो, एक एंड पे स्लिट है, दूसरे एंड पे लेंस, इट इज अ मेटालिक ट्यूब विद कन्वेक्स लेंस एट वन एंड, कन्वेक्स लेंस एट वन एंड, इसके एक एंड पे कन्वेक्स लेंस है, एंड एन एडजस्टेबल स्लिट, क्या मकसद, स्लिट की लंबाई चौड़ाई उसके दरमियान रास्ते को कम ज्यादा किया जा सके, अदर है दूसरे एंड पे ये देखें स्लिट है, व्हेन स्लिट इज एट फोकस ऑफ द लेंस, और व्हेन स्लिट इज एट फोकस ऑफ द लेंस, ये जो लेंस का कन्वेक्स लेंस का फोकस है वो स्लिट पर, तो लाइट जब यहां से जाएगी आपको पता है कोई भी, ये देखें फर्ज करें ये लेंस है, ये लेंस है, ये इसके फोकस से जब लाइट आ रही होगी तो बाद में पैरेलल होगी, ये लॉ ऑफ लेंसेज है कि लेंस के फोकस पे अब लाइट सोर्स यहां है, लाइट फोकस से आ रही है तो लेंस के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल आ रही होगी तो क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ये आप पहले लॉ ऑफ लेंसेज में जानते हैं। तो व्हेन स्लिट इज एट फोकस ऑफ द लेंस द रेज बिकम पैरेलल, ये जो सोर्स है लाइट यहां से जाके ये फोकस से इन हो रही है, इसके बाद लाइट पैरेलल हो जाएगी, इसके ऊपर आकर टकराएंगी ग्रेटिंग के ऊपर, लेंस द रेज बिकम पैरेलल, सो दिस इज कॉल्ड कॉलीमेटर, कॉलीमेटर का मतलब है लाइन अप करना, पैरेलल करना, ये इसका मानी है। दूसरी चीज है टर्न टेबल, मैंने बताया ये सीट है, ये प्रिज्म और ग्रेटिंग इज प्लेस्ड ऑन टर्न टेबल, जहां एक सीट है जिसके ऊपर ग्रेटिंग को रखते हैं जिसको हम टर्न टेबल कहते हैं, विच कैन बी रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ए सर्कुलर स्केल, इसके साथ एक स्केल भी लगी होती है, यहां यहां नंबर लगे होते हैं, ये उस स्केल का क्या मकसद है कि जब रोटेट करते हैं तो नोट करते हैं उसकी पोजीशन को, ग्रेजुएटेड इन हाफ डिग्री, यानी उसके ऊपर हाफ डिग्री, यानी वन डिग्री, फिर टू आएगा ना, 1.5 भी आएगा, यानी हाफ भी उसमें शामिल है, टू है 2.5 भी है, थ्री है 3.5 भी है, यानी हाफ डिग्री भी उसमें हम देख सकते हैं जब उसको हम रोटेट करते हैं। तीसरी चीज क्या है, टेलीस्कोप, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, टेलीस्कोप चीजों को क्लियर देखने के लिए, दूर की चीजों को, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, जमीन पे रखी हुई टेलीस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल होती है, आसमानी चीजें देखने के लिए होती है, टेरेस्ट्रियल वो होती है जो जमीन के ऊपर अजसाम है उनको देखने के लिए, तो लाइट को स्टडी करने के लिए भी टेलीस्कोप है। रोटेटेबल टेलीस्कोप, यानी ये जो टेलीस्कोप है ये रोटेट भी कर सकते हैं, इसके साथ भी एक स्केल लगा हुआ होता है जैसे यहां लगा हुआ होता है। अ रोटेटेबल टेलीस्कोप इज अटैच विद वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जहां पे डिग्रीज लगे होते हैं उसे वर्नियर स्केल कहते हैं। इट इज एडजस्टेड सच दैट द रेज आर फोकस्ड एट द क्रॉस वायर नियर द आई, आप जब भी टेलीस्कोप को देखेंगे तो टेलीस्कोप के अंदर आपको ऐसे ये दो लाइनें परपेंडिकुलर नजर आएंगी, इन्हें कहते हैं क्रॉस वायर, ये भी चेक करें क्रॉस वायर किसको कहते हैं, टेलीस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप वैसे दो लाइनें नजर आएंगी उनको क्रॉस वायर कहते हैं, ये पोजीशन मालूम करने के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये यूज होती है। नियर द आई पीस, ये आई पीस है ना, यहां लेंस के अंदर क्रॉस वायर होंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन विच इज यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट को यूं जाना चाहिए ना, लाइट ग्रेटिंग को क्रॉस करते हुए डेविएट करती है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
तो टेलीस्कोप से हम लाइट को विजुअलाइज करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करते हैं, एंगल ऑफ ग्रेटिंग यहाँ यूज होता है। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, प्रिज्म रखेंगे। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ये दो चीजें हम इससे मेजर करते हैं। एक बात, इसके मेजर पार्ट कौन से हैं, तीन, कौन कौन से, कॉलिमेटर, टर्न टेबल, टेलीस्कोप। इसकी डायग्राम को आप ड्रा करें, अगेन एंड अगेन ड्रा करें, एट लीस्ट 5 times ड्रा करें, इन तीन नामों को याद करें, इसके बारे दो दो तीन तीन लाइनें हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।